ओपन किया, पेज नंबर यस सर, कितना है आपका बेटा, उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है उसको रीड करो आप, ह्यूमन इन्वायरमेंट उसको रीड करो। बोलिए सर, बोल रहा ह्यूमन इन्वायरमेंट कंप्राइज, ह्यूमन इन्वायरमेंट कंप्राइजेस इंडिविजुअल्स ऐसे जो है ना, मिल गया है आज पढ़ना मिला बेटा, पढ़िए इसको, पढ़िए। ह्यूमन इन्वायरमेंट कंप्राइजेस इंडिविजुअल फैमिलीज कम्युनिटीज religions, educational institute, economic institute and politic situation, human बस बेटा, human environment मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें आती है human environment में बेटा, individuals मैडम अगर बात करें हम लोग individual हैं, अगर अकेले बात करें हम क्या हैं, individual हैं, आप क्या हो, individual हो, ठीक है, कीर्ति individual हैं, सौम्या individual है, जैनब क्या individual, सब आपस में क्या है, सब अलग बात करो, इंडिविजुअल हैं, तो हम लोग भी क्या हैं, इंडिविजुअल मतलब हम अपने आप में क्या हैं, हम अपने आप में ह्यूमन इन्वायरमेंट हैं, अपने आप में क्या है बेटा, ह्यूमन इन्वायरमेंट है हम लोग। अब बात करो हमारी फैमिलीज की, जैसे हमारी फैमिली हो गई, आपकी फैमिली हो गई, ये भी क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। बात करते हैं कम्युनिटी की, ये भी क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे कम्युनिटी में क्या हो गए, कम्युनिटी में पूरे आते, जैसे कम्युनिटी हो गई क्या, हिंदुओं की कम्युनिटी हो गई, मुसलमानों की हो गई, सिख की हो गई, ईसाइयों की हो गई, ठीक है बेटा, और बुद्ध लोग बुद्धों की हो गई, जैन की हो गई, क्या है कम्युनिटीज हैं, क्या है कम्युनिटी है, समुदाय ये बोलते, ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया रिलीजन मतलब धर्म, धर्म मतलब यही सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म वाले सब क्या अपने आप में ह्यूमन इन्वायरमेंट हैं अलग अलग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाई वाले क्या इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा स्कूल बेटा, हमारा स्कूल क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे क्या चीज रहती है, इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ मिले, हमारे स्कूल में क्या मिले, शिक्षा मिल रही है, तो शिक्षा कैसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गई। ये भी क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट है, अगर ये नहीं तो हम लोग क्या है, शिक्षित नहीं है, सुन रहे बच्चे लोग, यस सर, यस सर, ना हो तो क्या हम लोग सभ्य बन पाएंगे, नो सर, तब नहीं बन पाएंगे हम लोग, क्या है सोशल, सोशल नहीं बन पाएंगे। देखो ह्यूमन को ही बोला गया था, मैंने कल कई बार बताया, ह्यूमन को ही बोला गया क्या सोशल एनिमल, क्यों, क्योंकि वो सामाजिक हो चुका है, ठीक है, एनिमल वो भी था पहले, बट वो क्या उसको सामाजिक हो, सभ्य हो चुका है, उसने अपने लिए क्या किया, तो ह्यूमन ने अपने लिए तरीके बना लिए जीने के, ठीक है, अपने लिए घर के लिए घर, अच्छे अच्छे घर बना दिया, ठीक है, कहने खाने के लिए अच्छे अच्छे पका खाना खाता, और कोई जानवर खाता पका खाना, नहीं खाता पका के, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पका खाते हैं, ठीक है, एक मैनर में खाते हैं, तरीके से करते हैं हम, ठीक है, हम लोग वस्त्र पहनते हैं, और बाकी कोई जनरल पहनता क्लोथ नहीं पहनता, ठीक है, और साथ साथ बच्चों क्या किया हम लोग ने, हम लोग ने डेवलपमेंट किया, हम लोग अपने लिए गाड़ियां बना ली, सड़कें बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, ट्रेन बना लिया, है कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, तो क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है ह्यूमंस हैं, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ह्यूमन से, ये ह्यूमन क्या है सोशल हुआ, सोशल क्यों हुआ, क्योंकि उसको एजुकेशन मिली, एजुकेशन क्यों मिली, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, ओके आगे चलते हैं। तो ये भी क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हमारा है क्या, हमारा क्या है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, यहाँ पे कौन रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन रहता है बच्चों, ह्यूमन ही तो रहते हैं कि जानवर रहते हैं, नो सर, ह्यूमन ही रहता है ना, कि लोग अपनी गाय वगैरह छोड़ के जा रहे हैं, जाइए बहा दीजिए इनको, हाँ नहीं ना, ह्यूमन ही आ रहे हैं, नो सर, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ये भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है बेटा। अगला बात है कि इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल मतलब जो आर्थिक इंस्टीट्यूशन होता है, जो आर्थिक मतलब धन से मतलब होता है, धन पैसा, ठीक है, जो इकोनॉमिकल बात आती है, पैसे से बात आती है, ठीक है बेटा, जहाँ पे क्या होता है, हमको जो सभ्य बनने के लिए एजुकेशन जरूरी है, उसके साथ साथ क्या है, पैसे भी जरूरी है, इकोनॉमी जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी नहीं रहेगी तो क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग,
हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे बिना इकोनॉमी के, है कि नहीं? Yes, sir. क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि हम लोग सभ्य बन जाएं और क्या हो जाएं, एजुकेशन हमारे पास हो जाए साथ, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा अपने अर्निंग करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, ताकि हम लोग क्या करें, हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ग्रोथ कर जाए, अच्छी हो जाए, है कि नहीं? Yes, sir. इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये भी क्या है, ह्यूमन एनवायरमेंट है, जहाँ पे जहाँ से पैसे आते हैं, जैसे कहाँ से हो गया, कोई भी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, ठीक है, सब क्या देते हैं, पैसे देते हैं, एजुकेशन क्या हो गया, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब जो होता है, जो भी क्या है, पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है हमारे यहाँ पे, वो भी क्या है, ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन एनवायरमेंट में हो रहा है चीजें, ह्यूमन एनवायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट नहीं हो, तो क्या है, ह्यूमन एनवायरमेंट, क्योंकि ह्यूमन ही कर रहा है उसको, कौन कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहा है, क्यों ना, ठीक है। जानवरों में नहीं होती पॉलिटिक्स, ठीक है, यहाँ पे होती है, ह्यूमंस में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे पढ़िए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, प्रीति, समझ में आ रहा, सौम्या? ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर इंटरेक्शंस विद द फिजिकल एनवायरमेंट, ऑल द ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर स्टॉप मिला करें, वहाँ रुक जाएगा, ठीक है। तो आपने वहाँ तक पढ़ा, फिजिकल इन्वायरमेंट तक फुल स्टॉप था, ठीक, वहाँ तक, वहाँ से पढ़ना भी जाके। बेटा क्या है, जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मतलब जिसको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, बात हुई थी क्या शुरू में, इन्वायरमेंट क्या है बेटा, जो चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो अपने आसपास अभी आप लोग, कृति क्या क्या चीज़ देख रहे हो आप लोग, खिड़की खुली है, और क्या देख रहे हो सर, टेबल रखा है, कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, चार तख्त दिख रहा होगा, तख्त दिख रहा होगा, मिरर ये सब दिख रहा हो ना बेटा, सब क्या, सब चीज एनवायरमेंट है, जनाब आपके आसपास कौन चीज दिख रही होगी, सब क्या है, एनवायरमेंट है। बट क्या था, हमने बताया था इनमें से कुछ नेचुरल हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड क्या था, जिसको ह्यूमन ने बनाया कि नहीं, कुर्सी कुर्सी चेयर का भगवान थोड़ी थी, हमको नेचर ने थोड़ी दिया था, तो क्या हमने कटाई की बनाया उसको, कुर्सी को, है कि नहीं, कुर्सी yes, बनाया है। तो ये सब चीजें थे, उसमें कौन कौन चीज आती है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में क्या क्या चीज आती हैं, इसमें आता है बेटा ह्यूमन की एक्टिविटीज, जो ह्यूमन काम करता है, जो हमने काम किया सड़क में, हमने काम किया सड़क हमारी, जो भी हम सड़क कौन होगी, सड़क कैसी है, ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, ठीक है, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है, क्यों है, क्योंकि एक्टिविटी हमने इसमें की थी, कोई भी एक्टिविटी कर दिया हमने सड़क पे, वो हमारी हो गई, ठीक है। बिल्डिंग, ठीक है, बच्चों क्या हो गए, एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्शन विथ फिजिकल एनवायरमेंट, बेटा जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, जो भी फिजिकल एनवायरमेंट था, जो भी फिजिकल एनवायरमेंट था, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, तोड़ मरोड़ करके कुछ बना दिया नया, ठीक है। जैसे बड़ा सा पहाड़ था, अगर मान लीजिए बड़ा सा पर्वत है, माउंटेन पर, हमने क्या करते हैं, लोगों को जेसीबी ले जाते हैं, उसको तोड़ के वहां पर सड़क बना देते हैं, है कि नहीं, हमने इससे क्या किया, इंटरेक्शन किया कि नहीं करा, इंटरेक्शन किया उसके साथ, तब बना वो, ठीक है। आगे पढ़िए, बेटा आगे पढ़िए, बेटा फिजिकल एनवायरमेंट जहां तक छोड़ा था वहां से आगे, ऑल ह्यूमन मेड, All human made structures such as building, road, dam, bridge, garden, plantations, canal, etc. are example of human made environment. पहले कृति बताओ, नाश्ता सा किए हो कि नहीं? सर किए हैं। आवाज उठा, चलो हमारी आवाज देखो। सर ईयरफोन लगाए इसीलिए। और आप लोग विश्वास करो, हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, उसके बाद भी आवाज एकदम है, आप लोग भी आवाज में क्या बोलो, ताकत लाकर बोला करो, ठीक है। तो बच्चों क्या है, और जबकि हमको क्या है, सुबह पढ़ा रहे हैं, सुबह बोल रहे हैं, उसके बाद भी तो बच्चों क्या बता रहे थे कि जो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, बच्चों आ रही हैं क्या क्या, बिल्डिंग हो गई, रोड हो गई, ठीक है, ब्रिजेस, ठीक, ब्रिज जानते हो ना, ब्रिज नैनी वाले ब्रिज देखो ना अपना, यस सर, नया वाला, हाँ वैसा ब्रिज, सब क्या है, ह्यूमन मेड है। गार्डन हो गया बेटा, प्लांटेशन, ठीक है,
प्लांटेशन भी हम लोग की है, देन होती है, ठीक है, कैनल्स बेटा हो गए सब, ठीक है, ह्यूमन मैन एनवायरमेंट सब क्या एग्जांपल हैं, आगे पढ़िए। विद टाइम, विद टाइम ह्यूमन नीड ग्रो एंड बिकम मोर वैरिड एंड दे लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज देयर एनवायरमेंट। बेटा समय के साथ क्या होता है, ह्यूमन की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, ठीक नहीं? पहले क्या yes, होता sir. था बच्चों, पहले के लोग जो है ना, अब फास्ट फूड वगैरह देखते हो कितना खाते हैं लोग, फास्ट फूड समझो ना, पहले क्या खाते थे ऐसा नहीं, पहले लोग सूखा सूखा जो दाल चावल रोटी सब्जी खा के सो जाते थे, मगर अब क्या है, उसके बिना नहीं रह पाएंगे हम लोग फास्ट फूड बिना, क्योंकि हमारी क्या हुआ, हमें जरूरतें बढ़ गई हैं, हमारी जरूरतें क्या हुई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। अब बताओ, पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह लेते थे, घर में बिजली नहीं रहती थी, रह लेते थे ना पहले लोग? यस सर। तो क्या आप लोग रह पाओगे अब? नो सर। सर लगेगा कि कहाँ फंस गए यहाँ, अगर गांव में चले जाओ, ऐसे गांव में चले जाओ जहाँ पे बिजली ना हो, तो लगेगा कहाँ फंस गए आगे, लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। क्यों क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग की आवश्यकताएं बच्चों लगातार बढ़ती रहती है, हम लोग की नीड्स जो है बढ़ती जाती है, इंसानों की नीड्स बढ़ती जाती है, तो क्या होती है, अब उसी हिसाब जब नीड बढ़ जाती है बच्चों, तो उसी हिसाब से ह्यूमन क्या करता है, अपनी जो चेंजिंग ला लेता है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाता है, इन्वायरमेंट में क्या लाता है, चेंजिंग ला लेता है, ठीक है। ओके, आगे पढ़े, नए नए रास्ते खोज लेता है उसको चेंज करने के, ठीक है, नए नए चीजें खोज लेता है, जैसे पहले क्या था कि हम लोग छोटे छोटे क्या ना घर में रहते थे, छोटे घरों में रहते थे, ठीक है, तो जगह हम लोग पास क्या होता था, पर्याप्त ट्री था, हमारे पूरे विश्व में पर्याप्त ट्री थे, ऑक्सीजन था पर्याप्त, सब कुछ क्या था, बढ़िया था, पर क्या हुआ, धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई, क्या किए हमने, पेड़ काटते गए, पेड़ काटते गए, उससे क्या हुआ, आवाज हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है ना? यस सर। चलिए आगे पढ़िए बेटा, कृतिया आगे पढ़िए। द नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड ऑल द रिसोर्स फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा जितने भी नेचुरल क्या नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमको क्या देते हैं, वो सारे रिसोर्स देते हैं जिससे हम लोग अपने क्या सर्वाइवल, जिससे हम लोग सर्वाइव करते आते हैं, मतलब सर्वाइव मतलब जीते हैं, सर्वाइव करते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सर्वाइव करता है अपने और डेवलपमेंट करता है, जैसे हमको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, सबसे जरूरी कुछ सबसे जरूरी हमको जो है बच्चा, दो चीज़ें चाहिए हमको सर्वाइव करने के लिए, एक तो ऑक्सीजन, दूसरी वाटर, पहली ऑक्सीजन दूसरी वाटर, सर्वाइव करने के लिए जीने के लिए कौन देता है, नेचर देता है, फिर तीसरी क्या चाहिए, तीसरा खाना भी चाहिए, तीसरा चीज क्या चाहिए, खाने के लिए है कि नहीं, यस सर, कुछ चाहिए खाने के लिए, तो वो भी हमको कौन देता है, नेचर देता है, आओ बेटा डेवलपमेंट के लिए, हमको डेवलपमेंट मतलब विकास करने के लिए कौन देता है, सब कुछ विकास करने के लिए बेटा देता है हमारा नेचर ही देता है, ठीक है, हमारा अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है हमको अच्छे से, कहाँ खड़ी, हवा में खड़ी करेंगे, लैंड में खड़ी करेंगे, लैंड किसकी, नेचर की है, देन है, लैंड किसका देन है, नेचर का देन है, है कि नहीं, अब जो बिल्डिंग में लगा बेटा, बिल्डिंग में जो लगा हुआ है क्या, रॉड्स सरिये लगा हुआ है और ईट ईट मतलब ब्रिक्स लगे हुए हैं, किसका बनाया हुआ है, सब नेचर ने दिया, ब्रिक मतलब मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी को उसने दिया, अरे नेचर ने, सरिया को उसने दिया, नेचर ने दिया, लोहा कौन ने दिया, नेचर ने दिया ना, हमने थोड़ी पैदा किया उसको, ठीक है, हमने नहीं बनाया उसको, किसने दिया, बनाया उसको, नेचर ने बना के दिया हमको, ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। Yearly humans adapted themselves to their natural surrounding. बेटा जो प्राचीन मानव था, ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमन मतलब जो पहले का आदि मानव देखे हो कैसे रहते थे? Yes sir. वो शिकार करके जानवर खा जाते थे बिना पकाए, कि नहीं? Yes sir. हाँ, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, जो अर्ली पीपल थे, ह्यूमन थे, उन्होंने अपने सराउंडिंग जैसा भी था अपने आसपास, उसी के हिसाब से हमने को ढाल लिया, अपने आप को क्या किया, ढाल लिया, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, ढाल लिया समझ रहे मतलब,
ढाल लिया का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कमया सौम्या, आवाज आ रही सौम्या? यस मैम, यस सर। बार बार मैम दिखाई दे रहा है। ये बताइए आप एक बार भी आंसर नहीं दिया एक बार भी। देखो हमने जैनब का नाम एक बार भी नहीं लिया, जैनब बीच में बार बार बोल रही है, ठीक है, यस सर यस सर बोल रही है अपने से। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो बेटा? नाम ले जरूरी है बेटा, नाम ले तभी बोलोगे बेटा। आप भी पढ़ने आए तो क्या खुद भी बोलिए आप बिना हमारे कहे, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं पड़ने दीजिए। और सामने हो भी नहीं हो, अपने घर में हो, फ्री हो, अब इसी मौका इससे अच्छा मौका मिलेगा बोलने का, खुल जाने का, ठीक है, ओपन हो जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोग को। घर पे हो आप अपने आवाज को खोल सकते हो, ठीक है। तो बेटा आगे क्या बताया बता रहे थे बेटा, आस पार अपने आपको जो सी भी उसका इन्वायरमेंट था, जिससे जैसा भी इन्वायरमेंट था एलएसयू का, उसको अकॉर्डिंग अपने आपको ढाल लिया, ठीक है। जैसे जंगल हुआ करते थे उसमें, तो जंगल हुआ करते थे और क्या होती थी हमारे, जैसे हम लोग के पास क्या है, हम लोग पास घर है, पंखे हैं, लाइट है, रात में डर नहीं लगता है हम लोग को? रात में डर लगता है? नो सर। नहीं ना, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग पास इलेक्ट्रिसिटी है, अगर अंधेरा हो तो डर लगेगा हम लोग को भी, अगर रात में अंधेरा हो हर जगह तो डर लगेगा, ठीक है, मगर क्या हम लोग के पास हमेशा लाइट रहती है, वही सब कुछ दिखता रहता है हम लोग को, तो डर नहीं लगता है, ठीक है, आदत सी बन गई है। बट उन लोग कैसे करते थे, उन लोग को उसी में रहना था, ठीक है, अपने आप कैसे कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था पका मांस खाया जाता है, तो सब ढाल लिए थे अपने आप को, सब से ढाल लिए थे, है ना बच्चों, आगे बढ़िए। They learn to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. तो वो जो थे लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा क्या क्या चीज का। अब देखो पहले वही थे तभी हम लोग आए हैं धीरे धीरे करके, पहले वही थे हम लोग साथ, हाँ वो आदिमानव थे तब, उसके बाद उनके मानव, उसके बाद उसके पूर्वज पूर्वज, तब जाके हम लोग भी उसी जैसे आए हैं ना, वरना क्या होता, अगर वो ना होते तो हम लोग होते क्या, ना होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है बेटा, उन्होंने क्या सीखा, तो शुरू में तो उनको नहीं आता था कुछ, उन्होंने क्या क्या सीखा बेटा, डोमेस्टिकेशन सीखा उन्होंने, कल्टीवेशन सीखा। डोमेस्टिकेशन क्या है बेटा, जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को क्या बनाना, पालतू बनाना, बताइए क्या बनाना, पालतू बनाना, सब बोलिए, सब लोग बोलिए पालतू बनाना, ठीक है, मतलब जानवर को अपने पास रखना, ठीक है। पालतू आज भी जानवर को पालतू क्यों बनाया जाता है, उससे बहुत सारे काम होते हैं बच्चों, उससे ही बहुत सारे काम होते हैं जानवरों से, है कि नहीं। जैसे हमको गाय भैंस से क्या मिल जाता है, काऊ बफेलो से दूध मिल जाता है, और बहुत सारे एनिमल से क्या मिल जाता है हमको, मीट मिल जाता है, ठीक है, डॉगीज वगैरह से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, डॉगी करता है चोर चक्को को भौंक 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 के भगा देता है, है कि नहीं। यस सर। कभी कभी शरीफ लोगों को भी काट लेता है बेचारा, हमको डॉगीज बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जान नहीं पाता कौन शरीफ है कौन चोर है, शरीफ को दौड़ा लेता है। तो उन्होंने सीखा बच्चों, क्या सीखा उन्होंने, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, ठीक है, कि उन्होंने सीखा क्या क्या, डोमेस्टिकेशन, क्रॉप ग्रो करना, मतलब फसल उगाना सीख लिया बेटा उन्होंने, पहले फसल नहीं उगाते थे, केवल क्या करते थे, मांस खाते थे, कच्चा मांस को भी, ठीक ना। तो फसल उगाना सीख गए तो क्या करेंगे अब करी बना के खाएंगे अच्छे से, है कि नहीं, फसल उगेगी तो क्या होगा, बढ़िया जान गए लोग फसल उगाना, फिर रोटी बनेगी, उससे चावल बनेगा, और उन्होंने एक अच्छी लाइफ जीना सीख लिया साथ साथ, अच्छी लाइफ मतलब सेटल्ड लाइफ, आज हम लोग जी रहे हैं जो लाइफ, कौन सी लाइफ है, सेटल्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग पास क्या है, घर है, हम लोग पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, सब कुछ, ठीक है, इसे बोलते हैं सेटल्ड लाइफ, क्या बोलते हैं, सेटल्ड लाइफ, ओके। आगे बताइए बेटा, पढ़िए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, barter system emerged, trade start and commerce developed. Started commerce development. बेटा क्या हुआ? जब बताइए, पता है आप लोग को जो बाइक, हम गाड़ी चलती है हम लोग के यहाँ पे,
गाड़ी चलती देखते हो ना, गाड़ी चलते हैं। यस यस हाँ, उसमें सबसे पहले क्या खोजा गया पता है? गाड़ी में, गाड़ी के चलने के लिए सबसे पहले क्या खोजा गया होगा? सर उसका टायर। टायर? यस सर। हाँ पहिया बोलते थे हिंदी में, व्हील, पहिया, ठीक है, व्हील मतलब पहिया होता है, ठीक बच्चों? ठीक है, क्या चीज? व्हील मींस पहिया। पहले पहले क्या खोजा गया बच्चों? पहिया खोजा गया, इंजन थोड़ी खोजा गया पहले, पहले क्या खोजा गया? पहिया। तो पहिया उसने क्या किया? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाया। क्यों? अच्छा पहिए खोजने क्या डेवलपमेंट हो जाएगी बच्चों? पहिए कुछ आप लोग आइडिया, मान लो हम लोग आदि मानव थे, पहिया खोज लिए, हाँ पहिए खोज कर लिए हैं, उससे क्या डेवलपमेंट हो सकता है बताइए? सर उससे गाड़ी बनेगी, बैलगाड़ी बनी। बैलगाड़ी बनेगी? हाँ यस सर। तो बैलगाड़ी से क्या दिक्कत फायदा होगा? सर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर कर लेंगे जल्दी थोड़ा सा। हाँ बहुत सही जना, बहुत सही जवाब है, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजी, जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं भाई? हमारे यहाँ पे क्या उग रहा है? केवल चावल उग रहा है ना हमारे यहाँ पे, तो क्यों? क्योंकि हमारी जमीन ऐसी है, हमारा फसल ऐसा है कि हमारे यहाँ चावल उग सकता है। तो हम चावल खा के जिंदा रहेंगे क्या? नहीं ना, हमको रोटी भी चाहिए। उसके लिए क्या होगा? अदला बदली। क्या होगा बेटा? अदला बदली, बदली। जाएंगे दूसरी जगह तभी तो बदलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। दूसरा चीज बेटा क्या हुआ इससे? ट्रांसपोर्टेशन इंजन हो गया, ठीक है। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस बेटा, एक से एक फूड क्या हुआ? फूड आने लगे, एक से एक से क्या फूड पैदा होने लगे, ठीक है, अलग अलग फूड पैदा होने, सरप्लस फूड। बार्टर सिस्टम इमर्ज बेटा, बार्टर सिस्टम होता मतलब अदला बदली वाला सिस्टम, अदला बदली वाला। अच्छा अदला बदली वाला सिस्टम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सर अच्छा है, सर अच्छा है। क्यों? हमारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, उनकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास गेहूं गेहूं है, उनके पास चावल है, क्या करेंगे? हमको 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 भी चावल चाहिए, उनको गेहूं चाहिए, अदला बदली कर लिए, ठीक है। बट अब वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, आज भी है अदला बदली, आज भी चेक से खुलता है। क्या बदल, आज किसमें बदल गया है? पैसे के रूप में बदल गया है। किसमें रूप में बदल गया है बच्चों? पैसे के रूप में बदल गया है। आज हम लोग पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, आज भी एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, उनके क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, हम लोग सामान के साथ पैसे का एक्सचेंज करते हैं, ठीक ना, क्लियर बात हमारी अच्छे से। और बेटा ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट मतलब, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, व्यापार स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। पहले पहिए खोज हुआ, फिर क्या हुआ बच्चों? नए नए फूड पैदा हुए, फिर क्या हुआ? अदला बदली होने लगी, फिर क्या हुआ? व्यापार शुरू हुआ। तो बात देखने की ये पता चल रही है कि धीरे 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 क्या हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। ओके बच्चों आगे पढ़िए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। बेटा जब क्या हुआ, जब उसमें क्रांति आई, किसमें? इंडस्ट्री में, ठीक, इंडस्ट्रियल में, सन में क्या है, क्रांति आई, रिवॉल्यूशन में क्रांति, क्रांति मतलब क्या हुआ, एकाएक बढ़ने लगा इंडस्ट्री, एकाएक क्या हुई, बढ़ने लगी, एकाएक क्या हुई, बढ़ी है मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत तेजी से इंडस्ट्री, हर जगह इंडस्ट्री खुलने लगी, ठीक है। उससे क्या हुआ बेटा, वो क्या था, अब इनेबल्ड हो गया था क्या, कि बड़े स्तर पे क्या करे, प्रोडक्शन करे, ठीक है, बड़े स्तर पे क्या करे, प्रोडक्शन करे। तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, बिकम फास्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, तेज हो गया इससे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, तेज हुआ, तेजी तेजी ट्रांसपोर्ट करेंगे, सामान ज्यादा पैदा होगा, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है कि नहीं? आगे ज्यादा सामान पैदा होगा, ज्यादा होगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन बेटा पढ़ो,
Information relations made communication easier and speedy across the world. बेटा communication जो sorry information जो relation हुआ information मतलब inform करने की कोई बात inform करनी है किसी को उसमें भी क्रांति हुई. Relation मतलब होता क्रांति. क्रांति मतलब पूर्णता कोई चीज कोई जगह बदल जाए. पहले देखिए किससे हम लोग जैसे मान लो हम यहाँ पर रहते हैं हमारे मौसा जी रहते हैं मान लो बेंगलोर ठीक है सपोज करते हैं तो बेटा उनको क्या करना हमको हमको उनको कोई न्यूज देना कि हमारी बहन की शादी लगी हुई है ठीक है आपको दावत है ठीक है. अब मौसा जी कहाँ रहते हैं बेंगलोर. तो हम लोग क्या करते थे पहले बहुत पहले क्या करते थे बहुत पहले क्या करते थे चिट्ठी लिख देते थे. चिट्ठी जाती थी दो दिन बाद चार दिन बाद पहुंचती थी है कि नहीं. यस सर. जानकारी है आप लोग को इसके बारे में. यस सर. चिट्ठी कभी लिखे हो किसी को. नो सर. आप लोग नहीं लिखे हो बट हम देखे थे हम छोटे थे तब छोटे थे तब चिट्ठी वाला प्रचलन जब था तो हम देखे थे. अच्छा प्रचलन से एक बात याद आ गई एक मिनट के लिए सुनिएगा नोटिस है ठीक है बच्चों. हिंदी में आप लोग को क्या काम बोला गया है हिंदी में वो एक्टिविटी बोली गई है बढ़ता प्रचलन पे आर्टिकल लिखना. हाँ मोबाइल में बढ़ता प्रचलन पे आर्टिकल लिखना है ना जैनब. यस सर. यस सर. कम्या. हाँ सर. है ना तो फिर आप लोग इस पे लिखोगे अगर कोई चाहता है कोविड के ऊपर लिखना तो वो भी लिख सकता है ठीक है. कोविड जानते हो ना कोविड. यस सर. हाँ अब लोग भली भांति उससे वाकिफ होंगे कोविड से. यस सर. हाँ ठीक है वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. क्या बता रहा था वो के बाद ठीक नोटिस पूरी ऑफिस आते अपने वक्त. बेटा हम लोग क्या मैं देखा था जब छोटा था तो कि हाँ तब चिट्ठी वाला चल रहा था मेरे समय में मैं छोटा था बहुत तब ठीक है. तो चिट्ठी चिट्ठी लिखा जाते थे तो देखो क्या होता था बात पहुंचाना कहना है आज हमको पहुंच रही है कल ठीक है. मान लो किसी के यहाँ डेथ हो जाती थी उनके बेटा बाहर रह रहा है तो उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ता था दो दिन बाद बेटा आ रहा है ठीक है. तो सब दिक्कत होती थी ना इस समय बात पहुंचेगी बाद बेटे तक बैठक बेटे तक बात पहुंचेगी उसके बाद कहीं से वो चलेगा फिर आएगा ठीक है. अब मगर आज क्या है आज के में क्या है फोन नंबर लगाया तुरंत बात हो जाती किसी से भी ठीक है कहीं पे भी कहीं तुरंत बात हो जाती है. क्या हुआ ये बेटा हमारे कम्युनिकेशन का क्या हुआ इजी बना दिया कम्युनिकेशन को. जो ये क्रांति आई थी इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन उसने क्या किया हमारे कम्युनिकेशन को इजी कर दिया एक दूसरे से समझने की बातों को इजी कर दिया. ओके आसानी आगे पढ़िए बेटा. Human being interact with the environment and modify it according to their need. बेटा human being क्या करते हैं एक दूसरे से क्या human being जो है human मतलब हम लोग मनुष्य लोग क्या करते हैं बेटा environment को क्या करते हैं interact करते हैं उसको modify करके अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं. बेटा जो भी चीज़ अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ फोन इससे कंप्यूटर पे कैमरा लगा हुआ है ठीक है. हम आपसे यहाँ पर स्कूल में हैं आप अपने घर में ठीक है बट हम लोग बात कर ले रहे हैं और पढ़ाई कर ले रहे हैं है कि नहीं. तो क्यों क्योंकि इसमें जो चीज़ें यूज हो रही हैं बेटा सब इन्वायरमेंट से मिली हैं हमको. कहाँ मिली इन्वायरमेंट से हमने क्या किया उनको मॉडिफाई किया अपने नीड के अनुसार अपने जैसे मैं नीड थी वैसे मॉडिफाई किया उनका यूज कर रहे हैं है कि नहीं. बेटा कैमरा जो भी चीज लगाया है मगर किससे आया है कहाँ से आया है वो लाया है एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराया है उसको हमने पैदा नहीं. बोलिए आवाज नहीं आ रही बच्चों. सर आ रही है. सर आ रही बोल क्यों नहीं रहे आप लोगों ओके बोलिए फिर आपकी आवाज आगे पढ़िए बेटा. गड़गड़ा के आ रही है. यस सर. अच्छा नेचुरल लैंडस्केप एंड इंपैक्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट. बेटा हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन बनाने वाली एक्टिविटीज हम क्या क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे बेटा फैक्ट्री बना रहे हैं रोड बना रहे हैं
ठीक है, घर बना रहे हैं बहुत सारे, बिल्डिंग्स तमाम चीजें बना रहे हैं हम लोग, अजीमन पार्क, पार्क बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, दुनिया में चीजें बना रहे हैं हम लोग। क्यों? उससे क्या हो रहा है बेटा, उससे हमारा नेचुरल लैंडस्केप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हमको क्या बनाना तो नेचुरल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेचुरल चेंजेस चेंज हो रही है। ठीक है, नेचुरल लैंडस्केप जो पहला जमीन था, प्राकृतिक जमीन थी, वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट पर, नेचुरल इन्वायरमेंट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। आगे पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन पढ़िए। ठीक है बेटा, क्या है, हमारी बहुत सारी एक्टिविटी क्या कर रही है, उस प्रोसेस को बढ़ा दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट जल लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हमारी एक्टिविटीज ही, जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, लगातार पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी और चीजें कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है, एनवायरमेंट क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है जल्दी जल्दी, और उसमें वृद्धि हो रही है। आगे बढ़िए, थर्ड नंबर, इंक्रीजिंग द, आगे पढ़िए बेटा। यस सर, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। बेटा जब हम लोग क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या, पेड़ क्या ले करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, बट जब पेड़ काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। समझ में बेटा आपको? यस सर। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और पेड़ क्या करते थे, वो ले लेते थे अंदर। अब आप लोग क्या किए, सब लोग पेड़ काट डाले, हाँ तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी हमारे एनवायरमेंट में, तो क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हर साल देखते हो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके वजह से क्या कारण है, उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे पढ़िए बेटा, नेक्स्ट लाइन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बेटा जिससे क्या होता है, हम लोग क्या हुआ, हम लोग कार्बन की वजह से जो चीजें क्या हुई हमारा, इससे क्या होगा, हमारे ओजोन में क्या होगा, छिद्र हो जाएगा, ओजोन में क्या होगा, ओजोन लेयर कम हो जाएगी। ठीक है, उससे सन का रे क्या होगा, हीट ज्यादा अंदर आएगा, हीट का ज्यादा अंदर आना और कुछ हार्मफुल रेस जो हमारे हानिकारक रेस हमारे लिए हैं उनका भी अंदर आ जाना, क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना उसी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए बेटा, टाइम बहुत कम है। अ परफेक्ट बैलेंस इज बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। बेटा हमारे बीच और नेचुरल एनवायरमेंट के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, परफेक्ट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत हम लोग को बढ़ जाएगी। आगे पढ़िए, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। बेटा ह्यूमन को क्या करना चाहिए, ह्यूमन को जरूर सीखना चाहिए, और क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, और ठीक है कैसे जीना है यहाँ पर, कैसे यहाँ पर जिंदा जीना है यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में, और कैसे इसका यूज करना, कैसे इसका यूज करना है, उसको हमको अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से, हारमोनियस वे में। ओके बच्चों, ये सब चीजें हमको सीखना चाहिए, कैसे हमको इसका यूज करना है, हमको पेड़ कम से कम काटना है। ठीक है, हम लोग को पॉल्यूशन कम से कम फैलाना है, ताकि हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करे, सुकून से जी सके, है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, ये चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हिस्ट्री चलेगी, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग सुनिए, आप लोग इसका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा आप हमसे पूछेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर।